चंदा तू तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ बाबा मैं ठीक हूँ। लो जी, रक्षा का वचन देना था शेर सिंह को और इस मेहमान ने रक्षा कर दी। घर में इतना अच्छा लड़का था, बाहर लड़का देखने की क्या जरूरत थी? हाँ देखिए ये रसम है, रसम का मजाक मत उड़ाइए। देखिए कल शादी है, आप लोग जरूर आइएगा। सांझ की बेला में आप लोग की बारात का इंतजार रहेगा। तुम फिर आ गए। मैं गया ही कब था? नहीं गए तो अभी चले जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आया, ले जाने के लिए आया। देखो मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम मेरा पीछा कर रही हो। तुम्हारी ये आंखें, मेरी ये आंखें, मेरे ये बाल, मेरा ये चेहरा, मेरा कुछ भी तो नहीं अच्छा लगता तुम्हें। तो मेरी शादी इतनी बुरी क्यों लग रही है तुम्हें? जाओ किसी और के पास जिसका तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता हो, कोई ऐसा जिसकी कल किसी और से शादी ना हो रही हो। मेरे पीछे क्यों आए हो? मैं तो तुम्हें अच्छी भी नहीं लगती। हाँ नहीं लगती, तुम्हारी ये जिद नहीं अच्छी लगती मुझे। क्यों कर रही हो जिद? क्यों चूहे से शादी कर रही हो? कैसी लड़की हो? कम से कम तुम जैसी नहीं हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आज तक तुम्हारे मुंह से तुम्हारे माँ बाबा का जिक्र तक नहीं सुना। पता नहीं कहां से आए हो। आज तक माँ बाबा के लिए कुछ किया भी है कि नहीं? मैंने किया है। मैं अपने माँ बाबा से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ दिख रहा है मुझे, इसीलिए एक ऐसे लड़के से शादी भी कर रही हो जिसके लिए तुम्हारे दिल में कोई एहसास नहीं, जिसे तुम जानती तक नहीं, उससे शादी कर सकती हूँ। मिल गया जवाब। माँ ने बचपन में छुरिया चलाना सिखाया था, पर यहाँ तो एक छोरी वीर पर छुरिया चला रही है। तो तुम्हारी मोहब्बत है वीर या फिर माँ के खिलाफ बगावत? चंपा ये तुम्हारी चीख नहीं है वीर, तुम्हारी घायल दिल की चोट है जिसमें ना तुम्हारी माँ का लक्ष्य कहीं दफन हो गया है। नहीं नहीं तो जाओ, जाओ अपना काम पूरा करो, वरना यही सूर्य गढ़ने बैठे बैठे आशिक की मौत। तुम्हारे मशवरे की जरूरत वीर को नहीं है। वीर को अच्छे से पता है उसे कब और क्या करना है। लगता है सबके सब चले गए, वो लोग अकेले हैं, हमले के लिए तैयार हो जाओ। चलो
कोई शक्ति है यहाँ जो हमें अंदर जाने से रोक रही है। आज अगर हमने चंद्रकांता को नहीं मारा तो रानी इरावती हम सबको मार देगी। अच्छा तो ये इरावती के यमदूत है, लेकिन ये अंदर नहीं आ सकते तो क्या हुआ? चंद्रकांता तो बाहर जा सकती है ना? मैं ले जाऊंगी चंद्रकांता को उसकी मौत की मुंह में। जल्दी उठिए, घर में कोई घुसा आया है। हाँ जल्दी उठिए, चलिए। कौन है यहाँ? तुम इतनी रात के चंद्रा के कमरे में क्या कर रहे हो? बोलो क्या कर रहे हो? ओ, वीर तुम यहाँ? अगर इस समय किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो? कल इसकी शादी है और तुम यहाँ ऐसे? तुम कहीं से मारने तो नहीं है? किसने भेजा है तुम्हें? क्या इरादा है तुम्हारा? क्या है ये? इतनी सारी सोने की मोहर है? हाँ, मैं चंद्रकांत। चाची बड़ा ढीठ है ये, जानती हूँ मैं इसे, ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। आप एक काम कीजिए, आप इसे है ना महाराज के पास ले जाइए। हाँ ये सही बोल रही है, ये सही बोल रही है। चंद्रा इसे महाराज के पास लेके जाएंगे, चलिए चलिए बोल रहे हम। चलो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। कोई जरूरत नहीं, चलिए हमारे साथ चुपचाप। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या हो गया? अगर महाराज तक बात चली गई तो फिर तुम्हारे माँ बाबा को भी बार बार महल जाना पड़ेगा, फिर कल तुम्हारी शादी कैसे होगी? चंद्रकांता मेरी बात मानो, आपस में बात करके ना ये किस्सा यहीं खत्म कर दो। जाओ जाओ अपने माँ बाबा को रोक लो। बाबा रुकिए, उसे महाराज के पास मत ले जाइए। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना। राज मौत चंद्रकांता को नहीं छोड़ेगी। बड़ा अपना मायावी जादू किया, इरावती के सैनिकों को हुक्म दिया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? चंद्रकांता को हम खत्म करके ही जाएंगे। आज तो तुम मरोगी चंद्रकांता।
हे विष्णु, हे विष्णु शक्ति दो, इस आग को बुझाने की शक्ति दो। वंदे विष्णु, वंदे विष्णु। कुमार, बताओ, जवाब दो, जवाब दो, नहीं तो मैं जवाब दूंगी, मार दूंगी। सूर्यगढ़ की छाती पे विजयगढ़ का सीना छिपाओगे तो कायर कहलाओगे। मैं कायर नहीं हूं, मैं विजयगढ़ का राजकुमार वीरेंद्र सिंह हूं। विजयगढ़ की हिम्मत बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक छुपा हमला किए जा रहे हैं। आज इनका मुंह तोड़ जवाब देख रहेंगे हम। आज की रात वो जो कोई भी है, हम उसका खेल खत्म कर देंगे। सैनिकों, कूच करने की तैयारी शुरू करो। वो हमलावर रेत का शरीर लेकर घूमते हैं, ऐसा लगता है जैसे रेत का बवंडर उठा हो। कभी रूप बदलते हैं तो कभी रेत का ढेर बन जाते हैं। और उन्होंने चंद्रकांता का अपहरण किया है, हमें उसे बचाना है। ये लो शास्त्र। क्यों आए हो हमारे राज्य में, किस मकसद से आए हो? तुम और तुम्हारी वो चालबाज माँ क्या योजना कर रही है हमारे सूर्यगढ़ के खिलाफ? बताओ, बताओ, वरना। देखो चंद्रकांता, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें समझा। खबरदार जो मेरे पास भी आए, आज तक सब कुछ झूठी तो बोला है तुमने। अपनी पहचान छुपाई मुझसे, बंजारा बनने का ढोंग किया, इसी बहाने हमारे घर में हमारे साथ रहे। तुम्हारे मन का छल कपट सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया है, अब क्या समझाओगे? बस एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा। अच्छा, तो ये सब क्या है? ये रेत के मानव, ये विजयगढ़ से आए थे ना, मुझे मारने ही आए थे ना? देख लो, ये सब तुम्हारे ही सेवक है। अब ये मत कहना कि तुम इन्हें नहीं पहचानते। लेकिन मैंने इन लोगों का साथ नहीं दिया, तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हें अपनी बात। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, और ये मत समझना कि मेरे पास तलवार नहीं तो तुम जबरदस्ती। बस एक कदम की दूरी पे तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बोलो, लोगे वो एक कदम? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगा?
सच बोल रहे हो या एक और नया झूठ? खैर, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो जो मैं कहूंगी वो करोगे? आजमा कर देख लो, वीर वचन देता है, जो तुम कहोगी वही करूंगा। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी चंद्रा। वो भयानक जादुई बहन ने मुझे वहां ले गया। महाराज मैं आपकी पांव पड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। महाराज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। हाँ माँ। चंद्रा, ये आदमी कौन है? ये वो आदमी है जो विजयगढ़ के हमलावरों से लड़ा मेरे लिए। ये उस वक्त मेरे साथ था या साथ होने का दिखावा कर रहा था, क्योंकि ये खुद इस राज्य में चुपके से घुस आया है। और ये कोई और नहीं, विजयगढ़ का राजकुमार वीरेंद्र सिंह है। जान खतरे में है, क्या करूं? यहां तो सैनिक भी है और मायावी भी, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इसे बचाना तो होगा, पर कैसे? दिमाग लगाना पड़ेगा चंपा, दिमाग लगा। ये लड़का राजकुमार वीरेंद्र कैसे हो सकता है? ये तो आप ही के घर में रह रहा था ना, और लड़कियों के प्रशिक्षण में भी इसने हिस्सा लिया था। ये दुश्मन राज्य का अगर घुसपैठिया होता तो ये सब क्यों करता? हाँ, गद्दार है ये, मुझे तो इस पे पहले से ही शक था, तभी तो मैंने इसे अपना सहयोगी बनाया था, ताकि हर वक्त मैं इस पे अपनी नजर रख सकूं। बहुत दूर की सोची थी मैंने महाराज। तुम सब देख क्या रहे हो? गद्दार है ये, मारो इसे, मारो इसे। और तेज, और जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक ऐसे ही सीना तान के खड़ा रहूंगा। कहा था ना, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। जब तक मेरा दर्द तुम्हारा दर्द नहीं बन जाता, तब तक ऐसे ही ये मार सहता रहूंगा। बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। मेरी बिनती है, आप इसे यहां से ले जाइए। इसकी किस्मत का जो भी फैसला होगा आपके दरबार में ही होगा। बस करो, इस बंदी को महल के कारागार में ले चलो, और जब तक ये सलाखों के पीछे बंद नहीं हो जाता, माया भी तुम लोग के साथ रहेगी, क्योंकि राजकुमार वीरेंद्र अपनी जादू शक्ति के लिए बहुत मशहूर है, और हम नहीं चाहते कि ये चालाकी करके कैद से भाग जाए। ले जाओ इसे।
वीर की सारी सच्चाई बता दी। तुम्हारी वजह से उसे बंदी बना लिया गया है, अब पता नहीं महाराज उसे क्या सजा देंगे। लेकिन ये तो मेरा फर्ज था उमंग, वो लड़का मेरे राज्य का शत्रु है, पता नहीं कौन सी साजिश करता सूर्यगढ़ के खिलाफ। दुश्मन है वो मेरा, गद्दार है। जान बचाने वाला दुश्मन कैसे हो सकता है? अगर वो अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें नहीं बचाता तो शायद तुम जिंदा नहीं बचती। मुझे बचाया किससे? अपने ही पालतू जादूगर गुंडों से। ये सब उसकी सोची समझी चाल है, वो सूर्यगढ़ का शुभचिंतक है, दुश्मन। और तुम्हारा, तुम्हें वीर में अपना शुभचिंतक नहीं दिखता? कभी अपने दिल की आवाज सुनिए, क्या कहता है तुम्हारा दिल? तुम्हें वीर के लिए कुछ भी महसूस नहीं होता? नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरे राज्य की शांति भंग कर रहा था, उसके मन में कपट है और उसको इस गद्दारी की सजा मिलकर रहेगी। रुको, एक बात बताओ, तुम अड्डल टट्टू की तरह अपनी बात पर अड़ी रहती हो। जरा सोचो, आज की तारीख में सबसे शक्तिशाली योद्धा वही है जो अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं आ रहा। अगर वो यहाँ शांति भंग करने आया होता तो अब तक चुप क्यों है? कोई हमला या षड्यंत्र क्यों नहीं किया? कभी सोचा है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं जानता हूं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह है प्यार, बेहद प्यार। वो तो किसी लड़की को पलट कर भी नहीं देखता, पर मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा है तुम्हारे लिए। लेके चलो अंदर, बंद कर दो इसे। ऐसे मुंह फेर लेने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। जरा सोचो चंद्रकांता, वीर इतना ताकतवर है कि चार चार सैनिकों को उठाकर पटक सकता है, निहत्ता ही सबसे मुकाबला कर सकता है। पर नहीं, वो पिद्दी से सैनिक उसको मारते रहे और वो चुपचाप मार खाता रहा। अगर वो चाहता वो यहाँ से कब का भाग चुका होता। बहादुर तो वो है ही और अच्छा खासा जादू भी आता है, पर कभी कोशिश नहीं की, ना कभी अपने जान की फिक्र की, ना सजा की, ना ही मौत की। फिर वो यहाँ क्यों रुका रहा, किसके लिए? क्योंकि मैंने उसे चुनौती दी थी। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वो मुझसे दिल की गहराई से प्यार करता है। साबित तो वो कर चुका था कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। वो तुम्हारे प्यार में सब कुछ भूल गया है, बस तुम ही उसकी दुनिया हो। ये बात तुम समझती नहीं या फिर समझना ही नहीं चाहती। ये बात तो वो पहले से ही जानता था कि अगर पकड़ा गया उसके पाँव में बेड़िया होगी, उस पर अत्याचार होंगे, और तुम उसके हाथ बांधकर उसको खींचकर लेकर आई, और वो बेवकूफ कच्चे धागे में बंधा हुआ तुम्हारे पीछे पीछे चला आया, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जानती हो इसका मतलब क्या है? तुमने उस आदमी का भरोसा तोड़ा है जो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। उसने गद्दार होने की नहीं, तुमसे प्यार करने की कीमत चुकाई है। तुम लोगों को इस कोठरी की हिफाजत करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके सो जाओ। अरे इसे रोको, नहीं तो ये भाग जाएगा। और पहरेदारों को बुलाओ। चंद्रकांता, 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 पता है महाराज ने क्या कहा? अरे हम तो डर रहे थे कि महाराज गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि हमने वो गद्दार को घर में पनाह जो दी थी, मगर चमत्कार हो गया, महाराज ने तो उल्टा इनाम दे दिया हमें। अरे तेरी शादी राजमहल में होगी, वो भी धूमधाम से।
अपनी सलाखों के पीछे रहूंगा। ये चाहेगा तो भी भाग नहीं सकता। तुम दोनों जा सकते हो। कैसे कैसे हुआ ये सब? मेरे ये रेत के मानव जो दूसरों के लिए मौत के सौदागर बन जाते थे, आज ये बाजी कैसे हार गए? जी रानी, वो मैं तुम थी ना वहां पर? जी जी, मैं थी वहां, पर वो मैं बताती हूँ। एक वही तो है, वही तेरा बेटा वीर, और कौन? पर रानी इरावती, बात यही खत्म नहीं होती। वीर के बारे में एक और बात है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। तुम्हें नहीं करनी है शादी, तोड़ दो ना। लेकिन ये मत भूलना कि जादू तुम्हारे अंदर है। महारानी जी, आज्ञा दीजिए ताकि मैं सूर्यगढ़ वापस जा सकूं। दगाबाज, आधे रास्ते काम अधूरा छोड़कर जाना चाहता है। यहाँ से तुम नहीं, तुम्हारी लाश जाएगी लाश। महारानी जी, मेरी बात तो सुनिए। आपका बेटा सूर्यगढ़ का बंदी बन चुका है। मैं वहाँ जाकर उसको आजाद करने की योजना बनाऊंगा और सूर्यगढ़ जाकर भी मैं आप ही का सेवक बना रहूंगा। महारानी जी, ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूँ, राजकुमार वीरेंद्र सिंह को मेरे अलावा कैसे कोई नहीं छुड़ा सकता। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर तुमने वहां जाकर मुझसे गद्दारी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी सात पुश्तों को बर्बाद कर दूंगी। जाओ। महारानी, ये आदमी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं। जो इंसान अपने महाराज के साथ दगा कर सकता है वो कभी भी पलट सकता है। बेहतर यही होगा कि हम सूर्यगढ़ पे आक्रमण करके राजकुमार वीर को वहां से आजाद करवाए। वीर, सब
सबसे बड़ा दगाबाज तो वीर निकला, जिसे मैंने अपने सांचे में ढालकर बड़ा किया, जिसे मैंने अपने हाथों की कठपुतली समझी, आज उसने मेरे साथ बेमानी की। इसके लिए उस मछुआरन लड़की के पीछे आगे पीछे घूमता रहा लट्टू बनकर। माँ की मर्जी, माँ का हुक्म भूल गया। रहने दो उसे एक दो दिन कारागृह, यही उसकी सजा है। लेकिन महारानी, राजकुमार वीर तो आप चुप। वीर मेरा सबसे बड़ा हथियार है, उसे तो मैं छुड़ा कर रहूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं उस चंद्रकांता से अपना हिसाब चुकता करूंगी। उसी की वजह से मेरा बेटा गुमराह हुआ है, भटक गया है वीर। उसका तो मैं वो हल करूंगी कि वो अपनी मौत की भीख मांगेगी मुझसे, मौत की भीख। कंचा जी महारानी, जो करना है करो, जैसे करना है करो, लेकिन उस लड़की चंद्रकांता को मेरे पास लेकर आओ। जो आज्ञा। ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें तो खुशी के मारे नाचना चाहिए। तुम्हारी शादी जो राजमहल में हो रही है, और वो महान मायावी वो भी तो कहकर गई है कि तुम्हारी शादी यादगार बना देगी। तुम्हें तो सातवें आसमान पर होना चाहिए। हाँ उमंग, वो वीर की कोई खबर? अच्छा, तो तुम नहीं जानती कि पकड़े जाने पर दुश्मन राजा के गुप्तचरों का क्या अंजाम होता है? फिर ये तो एक राजकुमार है, क्या तुम जानना चाहती हो कि उस पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं? दुश्मन देश की सारी गुप्त बातें जानने के बाद उसे किस तरह से तड़पा तड़पा कर मौत दी जाएगी? या फिर तुम्हें चिंता हो रही है उस आदमी की जिसे तुम्हें सलाखों के पीछे भेज दिया? वो आदमी जो तुमसे प्यार करता है और तुम उसको प्यार करती हो। मैं उससे प्यार नहीं करती। अगर तुम वीर से प्यार नहीं करती तो अब तक ये 9 लाख का हार पहना क्यों नहीं है? सच धज के तैयार क्यों नहीं हुई उस मूर्ख शेर सिंह के साथ शादी करने के लिए? बोलो ना, क्या ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हुई तुम? तुम्हें जितना दिखावा करना है उतना कर लो, पर मेरी भी बात एक गांठ बांध लेना। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। उमंग, उमंग रुको। शैतानी इरादों वाले गद्दार गुप्चर, आज तक तूने सूर्यगढ़ की मेहमान नवाजी देखी है, यहाँ के लोगों का अपनापन देखा है, लेकिन बहुत जल्द तुम देखोगे कि इस राज्य का कानून कितना सख्त होता है। शुक्र मनाओ अपने इस अपनेपन का, जिसकी वजह से मैंने इस महल को अखंड और यहाँ की प्रजा को जिंदा रखा है। और अभी भी मुझे अपने प्यार चंद्रकांता का इंतजार है। ऐसे ऐसे पहन दे, कितनी प्यारी लग रही है ना हमारी बच्ची। चंद्रकांता, मंडप में जाने का समय हो गया। मायावी ने बहुत बहुत सुंदर तरह से मंडप सजाया है। चले अब चलो। आओ बेटा, आओ। चलो। किसका बच्चा है बेटा? तुम्हारे माता पिता कौन है? मेरे बाद मेरी बात दोहराओ। शादी होने के बाद, शादी होने के बाद बारात यहाँ वापस नहीं आएगी। बारात यहाँ वापस नहीं आएगी। बारात सीधा विजयगढ़ के महल में रुकेगी। बारात सीधा विजयगढ़ के महल में रुकेगी, रानी ईरावती के सामने। रानी ईरावती के सामने। चलो जाओ। तुम दोनों निकलो यहाँ से। इस बंदी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्रूर सिंह है यहाँ पे।
तुम सिर्फ बाहर से फूले हुए हो, अंदर से बिल्कुल। ए लड़की, कहाँ जा रही हो तुम? जी वो महाराज ने कैदी के लिए खाना भेजा है। ओ ये महाराज भी ना हमेशा उल्टी दिशा में ही चलते हैं। इस गुंडे गद्दार को खाना खिला के जिंदा रखने की क्या जरूरत है? उनकी दोनों बेटियों का दिमाग भी इसी ने खराब किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। कितने बुद्धिमान है क्रूर जी। वीर, तुम्हें कुछ पता भी है? इस महल में चंद्रकांता की शादी हो रही है। शादी? और मैंने सोचा कि वो मुझसे मिलने आएगी। शादी? तुम ये शादी रोक लो वीर, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, कहीं तुम्हारा प्यार किसी और की पत्नी ना बन जाए। अब क्या फायदा, जब चंद्रकांता मुझसे प्यार ही नहीं करती तो मैं ये शादी क्यों रोकूं? जी लें दो जिंदगी उसको अपनी मर्जी से, मैं उसके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। किसने कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है? वो प्यार करती है तुमसे। क्या? और ये बात उसने तुमसे कही? हाँ, उसने मुझे कहा था, पर बाद में ना कहा, पर उसके नाम में एक दिखावा था और कुछ नहीं। देखो उमंग, हाँ या ना? उमंग मुझे आधे अधूरे जवाब बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे लिए या तो आर है या तो पार, इसलिए अपनी ये झूठी कहानियां मेरे सामने मत बनाओ। चले जाओ यहाँ से, चंद्रकांता को अपना फैसला लेने दो। पर अब तो चंद्रकांता शादी के मंडप तक पहुंच गई है वीर। फिर तो ठीक है, उसे खुद ही फैसला लेना होगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो ये शादी करके खुश है तो मैं उसकी खुशियों पर आँच नहीं आने दूंगा, और यही मेरा फैसला। अब तुम यहाँ से चले जाओ या मैं तुम्हें। ये लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? इसे तो पहले कभी नहीं देखा। जाओ मेरे मालिक से जाकर के कह दो कि दूल्हा और उसके परिवार पे कब्जा कर लिया है मैंने। कैसे ये शादी होगी कि दूल्हा चंद्रकांता को लेकर के वहां पे आ जाएगा, उसके बाद हमारी मालकिन कैसे चाहेगी वैसे इस चंद्रकांता को खत्म कर देंगे। जाओ। ये कौन है? इसे तो पहले कभी नहीं देखा।
ये कहाँ गया? जिस करतब से नाम कमाया है उस करतब को जगाओ, बचा लो चंद्रकांता को। अभी क्या नई बकवास कहाँ लेकर आए? चंद्रकांता ने तुम्हें यहाँ भेजा? नहीं, वापस चले जाओ यहाँ से। पर उसकी जान पर बना हुआ खतरा मुझे यहाँ ले आया है। क्या? कोई तो है जिसे चंद्रकांता चाहिए और उसका दूल्हा शेर सिंह, वो अपनी दुल्हन को उसके पास लेके जाना वाला है। ये जो भी है वो चंद्रकांता की मौत चाहता है। अब ये क्यों चाहता है, किस लिए चाहता है मुझे नहीं पता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। अब बचा लो, तुम चंद्रकांता को बचा लो वीर। और मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन क्यों करूँ? यकीन करना होगा, क्योंकि तुम जब तक मेरे साथ नहीं चलोगे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। चाहे तुम मुझे जादू से डराओ या कुछ भी, क्योंकि मेरे लिए मेरी दोस्त चंद्रकांता बहुत मायने रखती है। अब सारा फैसला तुम्हारे ऊपर है।